अपने आशीर्वचन से हमको अभिसंचित करें माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, अमेठी और सुल्तानपुर के यहां के लोग जब प्यार देते हैं तो जम करके देते हैं। आज भी मैं वही स्नेह, वही अनुराग, वही अपनापन अनुभव कर रहा हूं और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के चार चरण पूरे हो चुके हैं। चारों ही चरणों में लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। जो गौर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हितों को भूल जाएंगे, अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे, उन सब के सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई, और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। अमेठी, सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही है कि परिवारवादियों की हमेशा से ही ये दिक्कत रही है। ये लोग जमीन हकीकत से इतना दूर है, इतने आसमान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता है। साथियों, आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने, भ्रष्टाचार का आरोप ऐसी किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में झेल नहीं रहा है। और वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब, मध्यम वर्ग खुद आगे आकर कह रहा है, आएगी तो
एनडीए ही आएगी तो एनडीए ही आएंगे तो योगी ही। भाइयों और बहनों, जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश के गरीब है, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें हैं। वो आज देख रहा है कि कैसे बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने उसकी भलाई के लिए काम किया है। वो जानता है कि हर सुख दुख में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रही है। वो जानता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी न जाति देखते हैं, न मजहब देखते हैं। हम सिर्फ ईमानदारी से जो भी गरीब है, जो भी योजना का हकदार है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करते हैं। इसलिए आज यूपी के लोग भाजपा को दिल से इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज का दिन 24 फरवरी मेरे जीवन का विशेष दिन है, क्योंकि आज ही पीएम किसान सम्मान निधि को 3 साल पूरे हुए हैं। जब 2019 में हमने ये योजना शुरू की थी तो कई लोग अफवाहें फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि ये तो 2019 के चुनाव के पहले मोदी लाया है, एक बार चुनाव हो जाएगा फिर मोदी बंद कर देगा। और कुछ हमारे विरोधी लोग हैं ना, वो तो दिन रात इसको चला भी रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, हम जो काम करते हैं सोच समझ करके करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। और आपने देखा, चुनाव हो गया, हम जीत भी गए, लेकिन जो योजना शुरू की थी 3 साल से अनवरत, इस योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रहा है। यहां अमेठी के किसानों को भी 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए से ज्यादा इस योजना से सीधे मेरे किसानों के खाते में जमा हुए हैं। सुल्तानपुर के किसानों को भी 430 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम किसान योजना के मिले हैं। ये योजना कितने ही किसानों का और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों का
उनका ये संबल बनी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात भी बताना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले 24 फरवरी की ही वो तारीख थी जब मैं पहली बार विधायक बना था। पहली बार जीवन में अचानक चुनाव के मैदान में आना पड़ा था और राजकोट के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सेवा का ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं चुनावी दंगल में जाऊंगा, चुनावी राजनीति में जाऊंगा। जिस रास्ते पर जाने का मैंने कभी सोचा तक नहीं था, उस रास्ते पर चलने की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया था, जनता जनार्दन का सेवक बनकर उनके लिए काम करने का वो संकल्प हर दिन के साथ और सशक्त हुआ है। यही सेवा भावना भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया, मां गंगा ने मुझ पर जिस प्रकार से स्नेह वर्षा की, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होता है। आपका यह स्नेह, आपका यह आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है और पूंजी के नाम पर आपका प्यार ही तो यही एक मेरी अमानत है। भाइयों और बहनों, आज यूपी में आपको ऐसे परिवार खोजना मुश्किल होगा जिसकी हमारी सरकार ने सेवा भाव से सहायता ना की हो। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में, ये कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, पूरी मानव जात दुनिया के हर कोने में इस महामारी ने क्या से क्या कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान में भाजपा सरकार ने सबकी मदद का प्रयास अविरत जारी रखा। आज यूपी के 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मुफ्त लग चुकी है। करीब करीब 12 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी मुफ्त लग गई है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको वैक्सीन का टीका लग गया? टीका लग गया? सबको लग गया? आपको कोई पैसा देना पड़ा? एक रुपया भी आपकी जेब से खर्चा करना पड़ा? टीका लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी? आपको कोई तकलीफ हुई?
भाइयों बहनों, इतनी तेजी से वैक्सीनेशन हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ है। इसी वैक्सीन ने कोरोना से लड़ने की ताकत हर एक नागरिक में बढ़ा दी है। इसी के कारण आज दुकानें खुली हैं, व्यापार खुला है, स्कूल कॉलेज खुले हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं। साथियों, इन परिवारवादियों का वैक्सीन को लेकर जो रवैया रहा है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और यहां तक कह दिया, आपको याद है ना, यहां तक कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। और कुछ लोगों ने कहा ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। कोशिश यही थी, उनका इरादा यही था कि लोग डर जाएं, राजनीति का रंग लग जाए और लोग वैक्सीन न लगवाएं, और वैक्सीन न लगे, कोरोना का हमला होता रहे, लोग मुसीबत में फंसते रहे और मोदी बदनाम होता रहे, योगी बदनाम होता रहे, तबाही होती रहे। भाइयों बहनों, क्या ये सोच अच्छी है? क्या किसी का बुरा सोचना ये अच्छी बात है? क्या क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? क्या इन्होंने गुनाह किया है कि नहीं किया है? ऐसे गुनहगारों को आपका वोट मांगने का हक है क्या? लेकिन इन लोगों की इज्जत ही इतनी जमीन पे पहुंच गई है, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि खुद इनकी पार्टी के लोगों ने भी, इनके कार्यकर्ताओं ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वैक्सीन लगवा दी। ये परिवारवादी बहकाते रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली। साथियों, भारत ने जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया, उस पर हर भारतीय को गर्व है। पहले दिन से यह अभियान नियमों के अनुसार चला, डिसिप्लिन से चला, कोई भगदड़ नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, सब कुछ नियम से हुआ। इतने बड़े देश में जब कोरोना के कारण मुसीबतें सामने खड़ी हो, फिर भी सारा काम डिसिप्लिन से चले, ये हिंदुस्तान के लिए सर ऊंचा करने की घटना है भाइयों, बहुत बड़ी बात है। और आप खुद भी गवाह है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो मोदी खुद दौड़कर सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंचा। हमने पहले स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगवाने का मौका दिया। ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइनें तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाते।
आप ये भी देखिए, मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। आप सबको मालूम होगा, अब मेरी मां 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी, उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, अभी बूस्टर डोज तीसरे डोज की चर्चा चल रही है, मेरी मां ने नहीं लगवाया क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है, तो उन्होंने नहीं लगवाई। कानून नियमों का पालन प्रधानमंत्री भी करता है, प्रधानमंत्री की 100 साल की उम्र की मां भी करती है। ये परिवारवादी होते तो पहले खुद का वैक्सीनेशन होता और सामान्य लोग पीछे रह जाते। साथियों, यूपी के 15 करोड़ लाभार्थियों को इस मुश्किल समय में मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है। यूपी के 1,65,00,000 गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। यूपी के 34,00,000 गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने पक्का घर बना करके दिया है। और ये जो घर मिल रहा है ना, वो भी हमारा आग्रह है, वो मकान का मालिकाना हक उस परिवार की महिला के नाम पर हो, महिलाओं को उसका हक मिले। यूपी की लाखों बहनें बीते 5 साल में अपने घर की मालकिन हो गई है, लखपति हो गई है। साथियों, भाजपा सरकार की स्वामित्व योजना की वजह से आज यूपी के गांवों में लाभार्थियों को एक बहुत बड़ा वर्ग, जिनको लगातार उनके हक का चीजें सामने से उनके घर पे पहुंच रही है, ये वो वर्ग है जिसको पहले की सरकारों के समय अपने घर अपनी जमीन पर कब्जे की चिंता आए दिन सताती थी। अब हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भूमाफिया कभी आपका घर और आपकी जमीन को छू भी नहीं सकेगा, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम आपके घर आपकी जमीन का पक्का कानूनी दस्तावेज टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करके आपको घरौनी दे रहे हैं। पीएम स्वामित्व योजना के तहत यूपी के लाखों ग्रामीणों को घरौनी दे ही जा चुकी है और आगे भी काम चल रहा है। बाकी गांवों में भी ड्रोन के माध्यम से ये काम, ये आचार संहिता के कारण अफसर जरा दूसरे कामों में, इलेक्शन कमीशन की सेवा में है, लेकिन जैसे ही चुनाव का काम पूरा होगा धनाधन ये काम फिर से शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज अमेठी के लोगों के सामने, सुल्तानपुर के लोगों के सामने मैं ऐसे दो विषयों की भी चर्चा करूंगा जिसके
हमारे देश के नागरिक, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक, हमारे सुल्तानपुर अमेठी के नागरिक इसके भुक्तभोगी रहे हैं, परेशानियां झेली है। ये विषय है और वो देश के सामने, लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो नौजवान है वो मेरी इस बात पर गौर करे, उस पर जरूर ध्यान दे। साथियों, ये विषय है पहला वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दूसरा परिवारवादी राजनीति। जब मैं दो विषयों की चर्चा करता हूं तो ये परिवारवादी लोग मुंह पर ताले लगा देते हैं और उनके जो इकोसिस्टम है ना, वो भी बात को उलट करके दूसरी दिशा में ले जाती है। आप देखिएगा, ये लोग कभी इसका जवाब नहीं देते क्योंकि इनके दिल में खोट है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवारवादी राजनीति दोनों ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। जब आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी का तुष्टीकरण करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि समाज के एक बड़े वर्ग से आप विकास का हक छीन रहे हैं। जब आप परिवारवादी राजनीति करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि आप किसी साधारण व्यक्ति से आगे बढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक पॉलिटिक्स को, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उसे खाद पानी दिया। आज वोट बैंक की इसी पॉलिटिक्स ने, तुष्टीकरण की इसी राजनीति ने इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को अपना बंधक बना दिया है, बंधक बना दिया है। अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही इन दलों की, इन नेताओं की मजबूरी बन गई है। इसलिए आज भी उनका हर फैसला इसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से ही होता है। ये फैसला अगर देश हित के खिलाफ हो तो भी ये नेता उस फैसले को लेने में जरा भी हिचकते नहीं है। उनको देश की नहीं, वोट बैंक की चिंता रहती है। और इसलिए आप लोग देखते हैं कि लोग हमारी सेनाओं का अपमान करते हैं, हमारे पुलिस फोर्सेस का अपमान करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें करने से उनकी वोट बैंक को खुशी होती है। इसी सोच की वजह से ये लोग हमारे संविधान की परवाह नहीं करते, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। अभी आपने देखा है, 56, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 56 निर्दोष लोगों को कुछ ही मिनटों में अलग अलग जगह पर बम धमाके करके 56 लोगों को मार दिया गया था, सैकड़ों लोगों को अपाहिज कर दिया था। ऐसा भयंकर, मानवता के खिलाफ
कृत्य करने वाले आतंकवादियों को, 38 आतंकवादियों को गुजरात की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अब मैं देख रहा हूं, मैंने कहा कि अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, आप सब तालियां बजाने लग गए। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? न्याय मिला उससे आपको संतोष हुआ कि नहीं हुआ? आपको न्याय में विश्वास है कि नहीं है? लेकिन आप देखिए, मानवता के दुश्मनों को फांसी हो गई, लेकिन वोट बैंक के डर से, वोट बैंक खिसक जाएगी तो क्या होगा, इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। भाइयों, जो लोग गुनहगार सिद्ध हो चुके हैं उनके लिए भी अगर रहम नजर रखते हैं, क्या ऐसे लोगों को राजनीति में, सत्ता में आने का हक है क्या? ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, जहां तक दूसरी बात है परिवारवादी राजनीति की, तो उससे भी देश का बहुत नुकसान होता है। परिवारवादी राजनीति में पार्टी का अध्यक्ष परिवार का होता है, पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों पर परिवार के लोग ही जम करके बैठे होते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर दावेदारी भी उसी परिवार के सदस्यों की होती है। पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, पिता के बाद बेटा, फिर बेटे के बाद बेटा या बेटी, बहू, उन्हीं लोगों को पद पर रहने का हक मिल जाता है। ये परिवारवादी पार्टियां यही पहले पक्का कर लेती है। इन पार्टियों में जो परिवार को समर्पित होता है उसी को वहां कुछ अवसर मिलता है, उनके लिए संविधान सुप्रीम नहीं होता है, परिवार का सुप्रीमो ही सुप्रीम होता है। वहां वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, देश के लिए कुछ नहीं कर पाता, उसको तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के हित में ही काम करना होता है। ऐसी परिवारवादी पार्टियों में कार्यकर्ता के लिए स्पष्ट संदेश होता है, मेहनत आप करिए, फल हम खाएंगे। साथियों, इन घोर परिवारवादियों ने सरकार चलाने का भी एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मूला बना रखा है। ये लोग अलग अलग जिलों से मंत्री तो बना लेते हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से मंत्री भी ले आते हैं, लेकिन उन मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने परिवार के लोग जो चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, जो संविधान की व्यवस्था में नहीं है, उनको इलाके बांट देते हैं। भतीजों को कहते हैं ये दो जिले तुम्हारे, भांजे को कहते हैं ये दो जिले तुम्हारे, बहन को कहते हैं एक जिला तुम्हारा, और अफसरों को भी मालूम होता है जो मंत्री बनाए हैं वो तो नाम के हैं, असली मंत्री तो परिवार में जिनको बनाया है सब कुछ उसी को, ये सुपर मिनिस्टर
मिनिस्टर के ऊपर सुपर मिनिस्टर वो परिवार का होता है, फिर जो विभाग होते हैं खनन का काम भांजा देखेगा, हेल्थ का काम भतीजा देखेगा, विभागों को भी परिवार के सुपर मिनिस्टर को बांट दिया जाता है। और इसलिए नीचे सरकारी तंत्र को भी मालूम होता है कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, जनता का भला करने की जरूरत नहीं है, बस इस सुपर मिनिस्टर को संभालो, अपना सीआर ठीक रहेगा, अच्छा अच्छा पोस्टिंग मिलता रहेगा, और इसलिए सरकारी तंत्र भी बर्बाद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस तरह चुपचाप परिवार में बैठे बैठे लोग सरकार में सुपर मिनिस्टर के नाते सारा कब्जा करके बैठ जाते हैं। चोरी छिपी से फाइलें भी तब तक क्लियर नहीं होती हैं जब तक कि सुपर मिनिस्टर ने हां न कहा हो, यानी मंत्री कोई भी हो लेकिन परिवार का सदस्य ही उस मंत्रालय के चलाता है, उसी के काम से बात आगे बनती है। भाइयों बहनों, क्या ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, सामान्य मानवी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये रास्ता उचित है क्या? भाइयों बहनों, और इस सब परिस्थिति में वहां के अधिकारियों को परिवार का सदस्य ही कंट्रोल करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो सुपर मिनिस्टर कहेगा तभी होगी, जो संविधान के मर्यादाओं के बाहर बैठा हुआ है। भाइयों बहनों, वही सुप्रीम होता है, परिवार की इच्छा आदेश वही सुप्रीम। इसलिए परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर संविधान का अपमान करती है, संविधान को नकार देती है। साथियों, परिवारवादी पार्टियां अगर सबसे ज्यादा नुकसान करती है तो वो है हमारी युवा प्रतिभा का, युवा टैलेंट का। जबकि आप देखेंगे भाजपा में आज कोई अध्यक्ष है, कल कोई और अध्यक्ष बन जाता है, आज कोई एक भूमिका निभा रहा है, कल कोई और वही भूमिका निभा सकता है। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। भाजपा में कौन किस परिवार का है इसका कोई महत्व नहीं है, हमारे यहां कार्यकर्ता का परिवार नहीं, उसकी कर्मठता, उसका समर्पण, जनता के लिए सेवा करने का भाव, उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं। और आप जनसंघ के जमाने से इसे देख सकते हैं, हमारे यहां हमने इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जीने का वादा करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी को जन्म हुए करीब चार दशक हो गए, इन चार दशक में आप देखिए हमारे यहां पार्टी अध्यक्ष, सभी पार्टी अध्यक्ष अलग अलग बने, अलग अलग इलाके के बने हैं, कोई किसी परिवार के प्रभाव में हमारा अध्यक्ष नहीं बना है। जबकि पिछले चार पांच दशकों में हमने कांग्रेस पार्टी में करीब करीब एक ही परिवार का अध्यक्ष देखा है। साथियों, आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस में कम अधिक मात्रा में लोकतंत्र बचे हुए थे, जब बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हुआ करते थे तब वहां अध्यक्ष बदले जाते थे, वहां लोकतंत्र बचा हुआ था। लेकिन कांग्रेस में आजादी के बाद जो दिक्कत आना शुरू हुई, जब एक ही परिवार ने
पार्टी पर कब्जा शुरू कर दिया। कांग्रेस की देखा देखी पूरे देश में बहुत सारी पार्टियां ये कांग्रेस को देख करके सीख गई और पूरे लोकतंत्र को दीमक की तरह बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यहां यूपी में भी गौर परिवारवादियों ने कांग्रेस कल्चर को ही खुद ने पूरा का पूरा उतार लिया है, उसी रंग में रंग गए हैं। बीते कई दशकों से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी एक ही परिवार की बंधक बनी हुई है। साथियों, परिवारवादी पार्टियों का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जब परिवार के लोग कोई गलती करते हैं, बुरा काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो परिवार की इकोसिस्टम ही उनको बचाने में काम में लग जाती है। उनको कोई सुधारने के लिए भी काम नहीं करता है, उनको संभालने का काम होता है। आखिर जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो भी परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए कुछ कुछ नहीं कर सकता है। और कार्रवाई करनी है तो पारिवारिक रिश्ते फैसलों के आड़े आ जाते हैं। भ्रष्टाचार अगर परिवार का सदस्य कर रहा हो तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद यही भ्रष्टाचार उस पार्टी का, उस सरकार का रोजमर्रा का व्यवहार बन जाता है। इससे भी देश का बहुत नुकसान होता है। इसी ने उत्तर प्रदेश का भी दशकों तक बहुत नुकसान किया है। इसलिए यूपी के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों से, परिवारवाद की राजनीति करने वालों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और मेरे नौजवान, आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अमेठी के लोग तो जानते ही हैं कि ये लोग किसी के नहीं होते। आपने जिन्हें बरसों तक सर आंखों पे बिठाया, सम्मान दिया, और जैसे ही आपने उनको भगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही बुद्धि को कोसने की शुरुआत कर दी, आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे। भाइयों और बहनों, विरोध और अवरोध जिनकी राजनीति है वो ये करते ही रहेंगे। हम विकास की नीति उस पर तेज गति से चलते रहेंगे। बीते 5 साल में अमेठी में ही पीएम आवास योजना के 60,000 से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। बीते 5 साल में अमेठी में करीब करीब 2 लाख शौचालय, जिसे हमारी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने इज्जत घर नाम दिया है, 2 लाख शौचालय बनवाए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू करवाया है। यह हमारी सरकार है जिसने पुलिस लाइन स्वीकृत की है, गौरीगंज और जगदीशपुर में पुलिस फायर स्टेशन स्वीकृत किया है। गौर परिवारवादियों ने यहां की राइफल फैक्ट्री का क्या हाल बना रखा था ये भी अमेठी के लोग जानते हैं। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अमेठी की फैक्ट्री में बनी AK-203 आधुनिक राइफल देश की सुरक्षा बढ़ाएगी,
पूरे अमेठी का नाम रोशन करेगी। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन परिवारवादियों के अपने स्वार्थ से फुर्सत मिलेगी तभी तो आप लोगों के बारे में सोचेंगे। साथियों, योगी जी सरकार ने अमेठी और सुल्तानपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा है। आपका लखनऊ और दिल्ली का सफर भी आसान हो गया है। यहां के किसानों और पशुपालकों का दूध, फल, सब्जी तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंचने का रास्ता बना है। अब हम इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा औद्योगिक गलियारा भी बनाने वाले हैं। इससे रोजगार, स्वरोजगार के अनेकों अवसर यहां खुलने वाले हैं। साथियों, ये जितनी भी योजनाओं परियोजनाओं पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है वो तभी पूरी हो सकती है जब यहां कानून का राज होगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी मतदाता यहां ऐसी सरकार नहीं चाहता जो यूपी के संकल्पों के सामने रोड़ा बनकर के खड़ी हो जाए। और आप ध्यान रखिए, आज हमारी योजनाओं से गरीबों को जो लाभ मिल रहा है ये गौर परिवारवादी उन योजनाओं को या तो अपने चाहतों की तो ये बंडर बांट करेंगे या तो उसको ताले लगा देंगे। केंद्र की योजनाएं यूपी में लागू ना हो, क्या ऐसे दिन आप उत्तर प्रदेश में चाहते हैं? डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट मिलते ही रहना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। इसलिए आपको भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में वोट डालना है। अपना दल हमारा साथी दल है, निषाद पार्टी हमारा साथी दल है, उनके उम्मीदवारों को भी जिताना है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं देख रहा हूं दूर दूर तक लोग खड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है आगे आ जाएं और हमारे दोनों सांसद आगे आ जाएं।